والنبيوں میں رحمت لقب پانے والا والنبيوں میں رحمت لقب پانے والا مراد غریبوں کی برلانے والا وہ بجلی کا کڑکا تھا سادو سو دہاتی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اکتائی بادشاہی شہنشاہی اللہ ملک الالم دی ذات واس جو کہ پوری کائنات دا خالق مالک داتا غوث اعظم دستگیر مشکل کشا حاجت روا احباب دے سامنے میں جناب محمد رسول اللہ فدا بی و امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی رحمت اللہ پاک نے اپنے پیغمبر نو رحمت للعالمین بنا کے بھیجیا اس عنوان تے بات کراں گا اللہ دے نبی انساناں واسطے بھی رحمت جنہ واسطے بھی رحمت جانوراں واسطے بھی رحمت پرندیاں واسطے بھی رحمت انساناں واسطے رحمت کیویں نے ایک بندہ دیہاتی قسم دا چلدا چلدا مسجد دے اندر آ گیا آ کے مسجد دے اندر مسجد بھی میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کونے چ بہ کے انہیں پیشاب کرنا شروع کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام نے دیکھیا دوڑ پہ پڑھن واسطے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نو پتہ چلیا اللہ دے نبی نے فرمایا نہ نہ انہوں اپنا کام مکمل کرن دے صحابہ کرام نے چھوڑ دیتا جب وہ بندہ پیشاب تو فارغ ہو گیا پھر اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈول پانی دا منگوایا اور ڈول اس پیشاب دے اتے انڈیل دے انڈیلن دے بعد رسول اللہ نے اس بندے نو اپنے قریب کیتا فرمایا او میرے پیارے ساتھی اے اللہ دے گھر نے مسجداں نے اے پاکیزہ رہن والیاں جگہ نے انہاں جگہ دے اندر بول اور پیشاب نہیں کریدا بڑے احسن انداز دے نال رسول اللہ نے اودی تربیت کی تھی اور نال کی فرمایا میرے صحابہ میں آسانی کرن واسطے آیا ہاں تنگی کرن واسطے میں محمد رسول بن کے مبعوث نہیں ہوئے اے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انساناں واسطے رحمت سن فابما رحمت من اللہ لنت لہم اللہ اندے نے اسی تواڈے دل اندر نرمی اور رحمت پیدا کر دیتی اگر تسی سخت دل والے ہندے سلیمان فارسی کدی فارس تو نہ آندا بلال حبشی کدی حبشے تو چل کے نہ آندا صہیب رومی روم دا اے پروانہ تواڈے پیراں چ کدی نہ بیندا حضرت زید نو باپ لین آیا ہے آندا پتر بچپن دا گواچیاں ہویاں اج لب گیاں چل اٹھ میرے نال چلیں تے پچھے نوں مڑ کے ویکھیا رسول اللہ تے ویکھ کے آندے ابا
मैं नहीं जाना। मेरे नबी ने फरमाया ज़ैद तेरे को इख्तियार है जाना है तो चला जा। फरमाया अबू जड़ी मोहब्बत इतों लभदी है जड़ा प्यार इतों लभदा है वह कायनात अंदर अल्लाह ने किसे च पैदा नहीं किया जैसी रहमत अल्लाह ने अपने नबी मुहम्मद च पैदा की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वरना बिछड़े हुए लोग किते तुसी वेखो जड़े किसे जेल चो आन या इंडिया चो छुट के आन माँ बाप नू किवें मिलदे। एक बंदे ने मैनू खुद वाकया सुनाया खुद 14 साल जेल च रहे आंदा सी एक मिनट सानू इंज लगदा सी जिवें बस पता नहीं की हो जाने सानू किते रोक ना दिता जाए ते असी माँ बाप नू जदों मिले सानू पता है असी किस कैफियत ना मिले। लेकिन मेरे नबी दा प्यार ऐसा है मेरे पैगंबर दी मोहब्बत ऐसी है इतने 14 साल की गल ये बंदा कई साल तो मेरे नबी को ले रहा है तो रसूलुल्लाह की मोहब्बत और रसूलुल्लाह की जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही मेरे नबी के कदमों से जिंदगी गुजारी है। इन्हें भी और ये बेटे ने उसामा रजी अल्लाह तआला इस तरह ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का प्यार सी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सी इन लोगों के नाल ते अल्लाह पाक ने इन्हू मेरे नबी दे नाल जोड़ दिता और अल्लाह दे नबी दी रहमत और मोहब्बत इन लोगों के दिलों च अपना अपनी जगह बना गई। काली जी औरत मस्जिद नबी दे अंदर सफाई कर दी रंग भी काला जहा सफाई सुथराई का बड़ा ख्याल है बीबी का। गरीब औरत सी एक दिन आया ये औरत फौत हो गई जो फौत हो दो दिन लंघ है 3 दिन लंघ है मेरे बाग पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने अपने सहाबा इकराम को पूछा मेरे सहाबा दसो औरत किथे वे। सहाबा इकराम कहन लगे अल्लाह दे नबी ओ थे औरत रात वफात पा गई सी। मेरे पाक नबी ने फरमाया मेरे सहाबा मैनू तुसी दसिया नहीं। सहाबा इकराम ने फरमाया अल्लाह दे नबी तुसी आराम कर रहे सी असी क्या है गरीब जी औरत काले जे रंग दी औरत ए औरत दा कोई नहीं असी जनादा पढ़ के दफन कर देने आ हुजूर नु तकलीफ कातों देनी है। मेरे नबी ने फरमाया मेरे सहाबा दुल्हनी अला कब्र हा इस औरत दी मैनू कबर दिखाओ मैं मुहम्मद दोबारा जनाजा पढ़ावांगा। मेरे पाक नबी ने वेखिया नहीं है गरीब रंग काला है अल्लाह दे नबी नू इन्नी मोहब्बत मेरे नबी दे दिल विच रहमत है। अल्लाह फरमांदे ने वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल आलमी असी अपने नबी नू रहमत बना के भेजे आए रहमत बना के इंसाना दी तरफ रसूल बना के भेज दिता है। अल्लाह दे नबी जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी बेटी ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा मैं इन्हां दे बारे पढ़िया जनाबे ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा दा बेटा इन्हां दे हत्थां दे अंदर वफात पा रहा। मेरे नबी नू बुलाया गया अल्लाह दे नबी जनाबे ज़ैनब दे कोल आए ने। मेरे नबी ने उस बच्चे नू हाथां ते चकिया होया ओ बच्चे दी हिजकी बनी है आखरी सांवां ते ओ बच्चा है। अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने उस बच्चे नू बोसा दिता और
मेरे नबी ने मेरे नबी दियां अखां विचों अंसू जारो कितार गिरना शुरू हो गया। सहाबाई करामां दे ने असीं वेख रहे हां मेरे पाक नबी किस तरह रो रहे ने। सहाबाई करामां दे ने अल्लाह दे नबी ने की फरमाया, फरमाया जिस बंदे दे दिल अंदर रहम हुंदा है अल्लाह उस बंदे ते अपनी रहमत कर देंदा है। अल्लाह उस बंदे दे उत्ते अपनी रहमत कर दे। फरमाया जिस बंदे दे दिल विच रहम ना होए अल्लाह भी रहम नहीं करदा। आना मेरे वीरां कुराने मजीद दे अंदर अल्लाह दे नबी बच्चिया वास्ते भी रहमत बने ने और कुरान की कह रहे अल्लाह फरमांदे ने वा मा अरसलना का इल्ला रहमतल आलमीन। असी अपने नबी नू रहमत बना के भेजिया, असी रहमत बनाया अपने नबी दे दिल विच रहमत नू पैदा कर दिता है। आना मेरे वीरा अबू सैफ लोहार एदी ना बीवी ने मेरे नबी दा बेटा मंगे। अल्लाह दे नबी ने अपना बेटा इब्राहिम इनू दे दिता। फरमाया तुसी एदी परवरिश करो ते मेरे बाग पैगंबर रात जांदियां जांदियां मुड़ पिया खरदे सी। फरमांदे सी मेरे से आबा ओ आपां चलिए। फरमाया सोनिया किथे जाना है? फरमाया अबू सैफ दे घर मेरा पुत्र इब्राहिम है ते मैं अपने बेटे दे नाल प्यार करना जाना वा। सहाबी बयान करदे असी वेखिए कि ये सोने नबी अबू सैफ दे घर टुर गए। मेरे नबी ने बच्चे नू अपनी गोद अंदर चुकिया, मुहब्बत कीता, प्यार कीता। पहले ते बेटी दा बेटा सी, हुण मेरे नबी दा अपना बेटा है। अल्लाह नबी ने दा नाम इब्राहिम रखे अपने जद्दे अमजद्दे नाम उते। मेरे नबी एदे नाल प्यार करदे सन, एदे नाल मुहब्बत करदे सी, बोसे दिंदे सी। अल्लाह दे नबी ने दे के चले गए। सहाबी बयान करदा रसूलुल्लाह फिर एक दफा सानू लैके अबू सैफ दे घर टुर गया। ओदी बीवी मेरे नबी दे बच्चे नू संभालन वाली, दूध पिलाण वाली, खिदमत करन वाली आ। इने बच्चा मेरे नबी दे हत्थां च फड़ाया। बच्चा जो तो मेरे पैगंबर दे हत्थां में आया ते बच्चा तड़प उठिया, बच्चे दे सा निकलना शुरू हो गए। जो बच्चे दे सा निकलते पैने मेरे अवीरा जेड़ा बाप अपने पुत्र नू हत्थां ते चुकिया होए, पुत्र सा दे जाए ते बाप नू ही पता हुंदा मेरा पुत्र किन्ना कीमती सी। बाप दी मुहब्बत बाप खुशी नाल चुम लैंदा बच्चे नू ते मेरे नबी दे बच्चा हत्थां विच पिया ते सा दे रहा। सा जदों निकल रहे ने ते सहाबी बयान करदा मैं वेखिया की मेरे नबी दियां अखां चों आंसू मोतियां दी तरह गिरना शुरू हो गए। ते अब्दुल रहमान बिन औफ अगे वधे ने, वध के की आंदे ने, सोनिया तुसी भी रोंदे हो, तुसी भी तुहाडियां अखां भी रोण डईयां ने। फरमाया अब्दुल रहमान बिन औफ मेरियां अखां रोंदियां ने, मेरा दिल गम सदा है, लेकिन मैं ओही गल कहांगा जिस गल ते मेरा रब राजी हो जाए। फरमाया अखां दा रोना गुनाह नहीं है, अखां दा रोना रब दी रहमत है। ए रहमत दी वजह तो बंदे दियां अखां चो आंसू निकल आंदे ने। एवें जनी कुरान कह रहा अल्लाह फरमांदे ने वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल आलमीन।
असि अपने नबी नू रहमत बना के भेजिया। आना मेरे अवीरा अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल एक औरत आई है उम्मे सुलैम इदा ना है। मेरे नबी को आके ने अपना बच्चा अल्लाह दे नबी नू दे दिता है। फरमाया सोनिया ए बच्चा तुहाडी खिदमत करिया करेगा, तुहाडी खिदमत दे अंदर रिया करेगा। मेरे पाक नबी जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे नू रख लिया। एक साल, दो साल, तीन साल, चार साल, पांच साल, हत्ता के मैं हदीसे पाक च पढ़िया मेरे नबी दी खिदमत सहाबी ने 10 साल की थी। 10 साल खिदमत करके की आंदा है, मैं ए अल्लाह दे नबी दी खिदमत करदा, अल्लाह दे नबी मैनू कोई काम भेज दिंदे, मैं काम टुर जांदा, मैनू चेता भुल जांदा, मैं बच्चियां नाल खेल लग पैंदा। मेरे नबी उत्थे आंदे आके फरमांदे आ, ए अनस मैं तैनू काम भेजिया सी। अनस आंदे जी अल्लाह दे रसूल, फौरन निकल जांदे आ। फरमाया कदी जिंदगी च मेरे नबी ने उफ नहीं सिखिया, ए नहीं सिखिया कि आ क्यों नहीं कीता, एवें क्यों नहीं कीता। फरमाया मैनू कदी झिड़किया नहीं सी, मैनू कदी मारिया नहीं सी। मेरे नबी जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सिफत इंज अनस बयान की थी, आका दी में सेवा 10 साल की थी। आका सोने शफकत कमाल की थी, कदी मैनू झिड़किया दबाया ही नहीं। ओ सोने जया, ओ मक्की जया जग विच आया ही नहीं। आना कितों रब ने बनाया ही नहीं। आना मेरे अवीरा अल्लाह दा कुरान की कह रहा, अल्लाह फरमांदे ने वमा अरसलनागा इल्ला रहमतन लिल आलमीन। फरमाया मेरा नबी रहमत बन गया आ, मेरा पैगंबर रहमत बन के आया। आना मेरे अवीरा अल्लाह दे नबी जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के वे रहमत बन के आया। अल्लाह दे नबी फरमांदे मैं एज ए इमाम खड़ा हुना, मैं पिछों आवाज़ सुनना छोटे छोटे बच्चियां दी, जेड़े बच्चे रो रहे हुंदे ने। फरमाया मेरे सियाबा इकराम, मैनू एक गल ग्रां गुजरदी है, ओदी मां नू तकलीफ पहुंचे, ओदी मां दुख विच आ जाए उस बच्चे दी वजह तो। फरमाया मैं मुहम्मद अपनी नमाज नू जल्दी नाल पढ़ा देना, जल्दी नाल अदा कर देना वा, किते ओदी मां परेशान ना हो जाए, ओदी मां दुखी ना हो जाए। मैं तेनी कुरान कह रहा, अल्लाह फरमांदे ने वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। मेरा नबी रहमत बन के आया सारे जहाना दी तरफ। अल्लाह दे नबी यतीमा वास्ते भी रहमत बन के आए। मैं आले जाफर दा वाकया पढ़ के अल्लाह दी कसम हिल गया। आले जाफर ए ओ लोग सन जिन्हां दा बाप जंगे मौता दे अंदर शहीद हो गया, अल्लाह नू प्यारा हो गया। हजरत जाफर बिन तैयार कहो रजी अल्लाह ताला आनहो, नबी दा दीवाना, नबी दा परवाना जंगे मौता दे अंदर शहीद हो गया है। मेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों वेख्या जंगे मौता दे अंदर जाफर शहीद हो गए ने, अल्लाह दे नबी
आले जाफर दे घर जनाब जाफर भी नबी तालब दे घर आए। अल्लाह दे नबी ने वेखिया कि ये जनाबे असमा बिनते उमैस कहो रजी अल्लाह ताला अनहा घर दे अंदर सन। असमा बिनते उमैस आंदियां ने मैं आटा गुन के फारग हुई सी, मैं बच्चियां नूं नहला दिता तेल ला दिता, बच्चे तैयार सन। वेखिया कि ये अचानक मेरा नबी मेरे घर आ गया है, नाल सहाबा इकराम। फरमाया मैं वेखिया सहाबा इकराम मेरे नबी दे नाल आ गए ने, ते मैं अपने पैगंबर वल वेख रही हाँ, ते मेरा नबी करदा की है। फरमाया इन्हां बच्चियां नूं मेरे को भेज दिओ। फरमाया मैं बच्चियां नूं भेज दिता है। अल्लाह दे नबी ने इन्हां यतीमां दे सिर ते हाथ रखे है, इन्हां नूं चुमिया, इन्हां नाल प्यार किया। मेरे नबी ने मुहब्बत करन दे बाद मेरे नबी ने कीता की है, अल्लाह दे रसूल नूं मैं पुछनी हाँ, सोणिया तुसी रोंदे क्यों जे, तुहाडियां अखां चों आंसू क्यों आ गए। मेरे नबी ने मैं नाले भी पुछया जाफर बिन अबी तालब दी तरफों कोई खबर आई है कि नहीं आई, उन्हां लोगों का कोई सुनेहा कोई पैगाम। फरमाया आन वाली हो ऐ असमा बिनते उमैस, इन्हां बच्चियां दा बाप जिहड़ा जंगे मौता दे अंदर शहीद हो गया। फरमाया वो शहीद हो गया, अल्लाह नूं प्यारा हो गया। मेरे नबी ने अपने सहाबा इकराम नूं बुलाया, बुला के फरमाया मेरे सहाबा आले जाफर दे घर खाना भेजो। उन्हां लोगों नूं बड़ी तकलीफ आई है, उन्हां बच्चियां वास्ते खाना भेजो, उन्हां यतीमां वास्ते खाना भेजो। एवें ते नहीं कुरान कह रहा, अल्लाह फरमांदे ने वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह दे नबी कायनात दे लोगों वास्ते रहमत बन के आए। अल्लाह पाक ने अपने नबी नू रहमत बना के भेजे आया। आना मेरे वीरा अबू मसूद बदरी सहाबी रजी अल्लाह ताला अनुआ। अबू मसूद आंदे ने मेरा एक गुलाम सी, अल्लाह दे नबी गुलामा वास्ते भी रहमत बन के आए। फरमाया मेरा एक गुलाम सी, मैं गुस्से विच आ गया, मैं अपने कोड़े दे नाल अपने गुलाम नूं मारना शुरू कर दिता है। अबू मसूद सहाबी मार रहा है, पिछों मैनू आवाज़ आई है ओ जान लो। फरमाया मैं फिर चुप कर गया, फिर पिछों आवाज़ आई है ओ जान लो। मैं गुस्से विच सी, मैं फिर भी कोड़ा मारिया, ओ पिछों फिर आवाज़ आई है जान लो। मैं फिर कोड़ा मारिया, गुस्से दे अंदर मैं तवज्जो नहीं कीती। फरमाया मैं विनती की है पीछे मुड़ के जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे खड़े ने। फरमाया मेरे अल मेरे नबी ने वेखिया, सहाबी आंदा है जदों अल्लाह दे नबी ने मेरे अल वेखिया, ते वेख के फरमाया जान लै ऐ मेरे अबू मसूद बदरी सहाबी, जान लै इस गल नूं। फरमाया अल्लाह दे नबी केड़ी गल नूं? फरमाया जिन्ना तू अपने गुलाम उत्ते कादर है, तेरा रब उहदे नालों वध के तेरे ते कादर है। ते अगली गल सुन लै ऐ अबू मसूद। अबू मसूद आंदे ने अल्लाह दे नबी हुण सारी जिंदगी गुजर जाएगी, अबू मसूद कदी भी गुलाम नूं कोड़ा नहीं मारेगा, नहीं मारेगा। अल्लाह दे नबी कदी कदी सुबह नूं, बल्कि मैं हदीस पढ़िया रोज़ाना सुबह सुबह अल्लाह दे नबी बाहर निकलदे, गुलाम ही गुलाम पानी लैके आ जांदे, कट्ठे हो के आ जांदे। अल्लाह दे नबी
दे कोल अपने बर्तन कर देंदे। मैं हदीसे पाक च पढ़िया सख्त सर्दी हुंदी है, ये गुलाम इकट्ठे हो के मेरे नबी को अपने बर्तन लैके आंदे है। अल्लाह दे नबी सख्त सर्दी दे अंदर अपने हाथों नूं इन्हां दे पानी विच पा दे कर दे सन। ये लोग बतौर तबरक दे और बतौर बरकत दे ये गुलाम मेरे नबी को आंदे सन। अल्लाह दे नबी इन्हां दे पानी अंदर अपना हाथ पांदे सी क्योंकि इन्हां नूं पता सी नबी मुहम्मद दे हाथां विच अल्लाह ने बरकत रखी। की रखी है? बरकत रखी है। आना मेरे अवीरा अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इंज मुहब्बत करने वाले आ, इंज प्यार करने वाले अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनसार दे एक बाग अंदर दाखिल होए, वेखिया की है एक ऊंट मेरे नबी नूं वेंदा है। विंदया साल मेरे नबी को दौड़ के आ गया, आके की आंदा अखां चो आंसू निकलदे पे ने। करीब अल्लाह दे नबी गए, ये ऊंट मेरे नबी दे करीब हो गया, हो के मेरे नबी नू की आंदा अल्लाह दे नबी मेरा मालक काम बहुता लेंदा मैनू चारा थोड़ा दिंदा। मेरे नबी ने गल सुन ली इस ऊंट दी, सुन के मालक नू बुलाया ते मालक नू के फरमाया ओ जानवर दे मालक घट पठे पाने चारा घट देने काम बहुता कराना है। ओ अल्लाह तो डर जा, बंदिया खुदा दिया रब तो डर जा। इस वास्ते बंदे को काम बहुता लेना ते चारा थोड़ा देना। हां अल्लाह दी कसम अल्लाह एदे ते पुछेगा, अल्लाह एदे ते पुछेगा के तू जानवर नू चारा ज्यादा क्यों नहीं सी दिंदा, जानवर नूं ओना चारा क्यों नहीं सी दिता के जानवर रज के खांदा रज के काम करदा। मेरे या वीरा नाल मेरे नबी ने फरमाया रब तो डर जा, अल्लाह दा बंदा बन जा। इस अबियां दा अल्लाह दे रसूल हुण मैं इस जानवर नूं ज्यादा चारा दिया करांगा, ज्यादा चारा पाया करांगा। आना मेरे या वीरा कुरान की कह रहे अल्लाह फरमांदे ने वमा अरसलनागा इल्ला रहमतल आलमीन। अल्लाह फरमांदे ने असी अपने पैगंबर नू सारे जहाना दे लोगों वास्ते रहमत बना के भेजे है। अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवरों वास्ते रहमत बन के आया। सहाबा इकराम आंदे ने असी अल्लाह दे रसूल दे नाल हाँ गुजर के जा रहे सी ते एक दरख्त दे कोल दी गुजरे, अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने की फरमाया। अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने वेखिया की है के जंडूल आ गई अल्लाह दे रसूल दे कोल। बाज़ां दे ने चिड़िया सी आके मेरे नबी दे कोल अल्लाह दे रसूल नू शिकायत करदी पई है। शिकायत की कर रही है कि तुहाडे सहाबा इकराम ने ऐस दरख्त दे उत्ते मेरे बच्चे सन, इन्हां बच्चियां नू तुहाडे सहाबा इकराम ने इस दरख्त तो उतार लिया, मेरे बच्चे फड़ लैने आ। ते मेरे नबी ने की फरमाया, फरमाया मेरे सहाबा इस चिड़िया दे बच्चे नू दे दो। मैं एक वाकया वालदे ग्रामी को सुनिया सी, सहाबा इकराम ने हाथ च फड़े हुए चिड़िया दे बच्चे, उत्तों ये चिड़िया ने वेखिया ते सहाबी ने हाथ खोलिया ही है, ये चिड़िया उस वेले यकदम अपने बच्चियां दे उत्ते आके गिर गई, अपने परां दे थले छुपा लिया बच्चिया, अपनी जान की कोई परवाह नहीं की। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਪਰਿੰਦਿਆਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ? ਫਰਮਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੁਟਾ ਦਿਓ। ਲੁਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਿਆ ਔਰ ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੁਰਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਮਾ ਅਰਸਲਨਾਕਾ ਇਲਾ ਅਰਹਮਤਲ ਲਿਲ ਆਲਮੀਨ।
असी अपने नबी नू रहमत बना के भेजिया। अल्लाह दे नबी रहमत बन के आए आ, अपने वास्ते भी रहमत बन के आए आ, अल्लाह दे रसूल बगानिया वास्ते भी रहमत बन के आए आ। आना मेरे अवीरा मेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दे बारे में पढ़िया। अल्लाह दे रसूल नू कुरैश दियां लोगां बड़े दुख दिते, बड़ियां तकलीफां दितियां ने आ, कुरैशियां वास्ते बद्दुआ कर दी थी आ। अल्लाह इन्हां ते कहत भेज देवे इन्हां कुरैशियां ते, ते कुरैश दे उते कहत फैल गया। हदीसे पाक च पढ़िया कहत इन्हां फैलिया खाण वास्ते खाना कोई नहीं, हां इन्हां दे अंदर खाना की सी, इन्हां दरख्त दे पत्ते खाने शुरू कर दिते आ, हड्डियां खा खा के ए लोग गुजारा कर रहे ने आ। ते कुरैश दा सरदार उठिया अबू सुफियान, उस वेले मुसलमान नहीं सन, हुण मुसलमान हो, ए अल्लाह दे नबी दे कोल आ गए। अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला अनु आ गया दे ने नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, आ तेरे खानदान दे लोग भुखे पे मरदे ने आ, सोने आ पत्ते खान दे आ गए ने आ, ओ सोने आ हड्डियां खान डेने। तुसी इंज करो, रब को दुआ करो अल्लाह इस कहत नू खत्म कर देवे। मेरे नबी दे अंदर अल्लाह ने रहमत पैदा की थी सी, मेरे नबी ने हाथ चुक लै, हाथ चुक के की फरमाया, ऐ मेरे अल्लाह इन्हां दे कहत नू खत्म कर दे। सहाबा इकराम आंदे ने हाथ मेरे नबी दे जे जमीन ते नहीं आए, मेरे रब ने आसमाना तो बारिश नाजल कर दी थी आ, उधरों बारिश आई है। अल्लाह ने इन्हां दियां जमीनां च खेतियां पैदा कर दित्तियां, इन्हां दे कहत नू मेरे रब ने खत्म कर दिता। कुरान आंदा वा मा अरसलनागा इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अम्मा जी आयशा ने ना रजी अल्लाह अल्लाह के रसूल को पूछया भी सुनिया तुहानू सब तो ज्यादा तकलीफ किस मौके ते आई, सब तो ज्यादा दुख केड़ी जगह ते आया। अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरी प्यारी आयश, मैनू तेरे खानदान दियां लोगां, यानी मेरे खानदान दियां लोगां ने फरमाया कुरैश दियां लोगां बड़े ही दुख दिते ने, बड़िया ही तकलीफां दितियां ने, मैं बड़िया बड़िया आफतां दा सामना कीता। फरमाया ऐ मेरी प्यारी आयशा रजी अल्लाह ताला अनहा, इन्हां दे अंदर बड़े बड़े लोग सन जिन्हां मैनू दुख दिते ने, बड़ियां तकलीफां दितियां ने। फरमाया इन्हां दे अंदर एक बंदा सी जेदा नां अबद या लैल सी। फरमाया इस बंदे ने मैनू बड़ा ही दुख दिता। फरमाया मैं बड़ी चाहत दे नाल अपने आप नू इहदे उत्ते पेश कीता, मतलब ये सी कि मैं इहनू दीने इस्लाम दी दावत दित्ती है, तौहीद दी दावत दित्ती है। मैं जदों दावत दे के हटिया ना, फरमाया मेरी प्यारी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, ऐ आयशा मैं जदों इहनू दावत दित्ती इहने खड़ा हो के मैनू जवाब दे दिता है। इन्हें क्या है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तेरे ते इस्लाम नहीं लेके आवांगा, दीन तेरा कबूल नहीं करांगा। मेरे नबी ने फरमाया मैं इन्ना गमजदा हो गया, इन्ना परेशान हो गया, मैं गम दे नाल तुरिया जा रहा वहां, इस गम ने मेरे ते ऐसी रिकत तारी कर दीती। फरमाया मेरी प्यारी आयशा मैं गम दी वजह तो जमीन ते गिर गया, मैं बेहोश हो गया, मैनू जदों होश आई मैं वेंदा की आसमाना ते एक बदल आ गया है, मेरे ते साया कीता, उहदे विच मैं वेंदा की आ जिबरील अली सलातो सलाम ने। जिबरील ने फरमाया है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तुहानू सलाम करना वा, अल्लाह दा एक पैगाम है, ऐ जिहड़ा मेरे नाल एक फरिश्ता आया है, ये पहाड़ा दा फरिश्ता है, अबू कबीस पहाड़ इहदे इख्तियार अंदर है, और इहदे सामला पहाड़ भी इहदे इख्तियार अंदर है। अल्लाह दे रसूल
तुसी हुकम फरमाओ ए बंदा ए फरिश्ता दो पहाड़ा दे दरमियान पूरी दी पूरी बस्ती इना जालिमा दी गर्क कर दे, इनू तबाह करके रख देगा इस बंदे नू। ते मेरे पाक पैगंबर ने की फरमाया, अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने बल अरजु आई युखरिजल्लाहु मिन असलाबिहिम मन याबुदुल्लाह वहदहु ला युशरिकु बिही शैया। फरमाया ऐ मेरी आयशा, मैं फिर की जवाब दिता? फरमाया मैं जवाब दिता उन्होंने फरिश्तियां नूं, बल्कि उस फरिश्ते ने अगे वध के मैनू सलाम करके फरमाया, मैं फरिश्ता जिहदे इख्तियार विच ओह पहाड़े, हुक्म तुहाडा चाहीदा तबाह करके रख देंगे। मेरे नबी ने की फरमाया? फरमाया ऐशा, मैं उस फरिश्ते नूं की फरमाया? फरमाया मैं एह किहा बल अरजू, मैनू उम्मीद है अल्लाह इन दियां नस्लां विचों ऐसे ऐसे लोग पैदा कर देगा। फरमाया याबुदुल्लाह वहदा, और जेड़े एक रब दी इबादत करनगे थूदे तो सिवा किसी नूं शरीक नहीं बनाणगे। ओ मेरे अवीरा, मेरा नबी जो चाहते कर सकते, कह देंदे तबाह कर दियो नहीं, क्योंकि नबी रहमत बन के आया। अल्लाह ने इस पैगंबर दे दिल विच रहमत पैदा कर दी सी। आना मेरे अवीरा, अल्लाह दे नबी जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दे बारे कुरान की कह रहा। अल्लाह फरमांदे ने वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की फरमाया? फरमाया नबियां विचो सियाबी आंदा, किसे पैगंबर दा अल्लाह दे नबी ने जिक्र कीता, जिक्र करके की फरमाया? फरमाया उदी कौम ने अपने पैगंबर नू पत्थर मारे, अपने नबी नू लहू लुहान कीता या, ए नबी दा चेहरा खून भर गया है, ए नबी ने अपना चेहरा आसमाना वाल चुख लिया। जदों लहू ना चेहरा भरिया पिया इस पैगंबर दा, नबी आसमाना वालू चेहरा चुके की आंदा, अल्लाहुम्मा ग़फिर ली कौमी फा इन्नहुम ला यालमून। अल्लाह इन्हां नूं माफ कर दे, ए मेरा मुकाम ते मेरी शान नहीं जान, ए मेरा मेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी रहमत, जो कि अल्लाह ने कुल कायनात दे दिलां दे अंदर ये मोहब्बत और शफकत इस नबी दी, हाँ इस नबी दी और इस पैगंबर दी जिस तरह पैदा कीती है, और अल्लाह पाक ने ऐसी रहमत इस पैगंबर दे हाँ दिल विच रख दिती है कि कायनात दियां सारियां रहमतां मिल के भी मेरे नबी दी रहमत दा मुकाबला कर सकदियां। अल्लाह दे नबी दे दिल च अल्लाह ने बहुत बड़ी रहमत रखी है। अल्लाह के दुआ मौला करीम जो सुनया सुने अमल करने की तौफीक अता फरमाए, जिंदा रखे दीन इस्लाम, अल्लाह मौत आए दीन इस्लाम। आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।